हेलो दोस्तों, विनीता जैन की किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे पिज्जा बेस रेसिपी। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमने अपने पिज्जा बेस को कैसे बनाया है। 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून हमने सूजी ली है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने शुगर ली है और 1 टीस्पून ही हमने ड्राई इस्ट लिया, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और ये हमने बॉटल लिया है। इसको हमने लाइट वार्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। तो अब इससे हम अपना डो रेडी करेंगे। ये देखिए हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम अपना मैदा डालेंगे और 1 बाय 1 करके सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये हमने सूजी ऐड की है, शुगर ऐड किए, ड्राई ईस्ट। ये जो हमने ड्राई ईस्ट लिया है हम इसे पहले एक्टिव भी कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के 2 टेबल स्पून वाटर के साथ पहले इसको डाल के हम एक्टिव कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। ये हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे ऑयल। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो रेडी करेंगे और इसका डो हम जब रेडी करेंगे तो एकदम सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए हमारा डो लग के तैयार हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट लगा है, इसको बहुत थिक नहीं लगाना है। अगर हमारा डो थिक लगेगा तो हमारे डो की फ्लावट नहीं होगी बिल्कुल भी। अब हम इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए मलेंगे जिससे हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो जाए। ये देखिए हमारा आटा एकदम प्रॉपर तैयार हो गया है और अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। ये देखिए इस कंटेनर में रखेंगे, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें हवा ना जाए। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। ये देखिए हमारा 2 घंटे बाद हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्रॉपर, कितने अच्छे तरीके से हमारा डो रेडी हुआ है और इसी तरीके का डो हमारा रेडी होना चाहिए। अगर इस तरीके का नहीं है तो हमारे बेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो फूलेंगे नहीं। ये देखिए अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे और उसके बाद हम अपनी पिज्जा रोटी बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा आटा हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम चिकना हो गया है और इसी तरीके का हमारा परफेक्ट डो रेडी होना चाहिए। अब हम इस डो के 2 पीसेस कर लेंगे, 2 गोले बनाएंगे बड़े बड़े और इसको अच्छे से गोल करेंगे और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। ये देखिए हम अपना डो बेल के तैयार करेंगे अपने बेस को। पहले हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे यानी कि मैदा लगाएंगे और उसके ऊपर अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। इसे बेलकर हम एकदम गोल बनाएंगे। आप इसे अपने नीड अकॉर्डिंग आप इसे छोटा या बड़ा कैसे भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो मैं इसको मीडियम साइज का बनाऊंगी। ये देखिए हमारा प्रॉपर बेस बेलकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये देखिए मैंने एक किनारेदार ढक्कन लिया है और इसको इसके अकॉर्डिंग मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गोल कर दूंगी। अगर आपके पास छोटा या बड़ा जो भी कोई भी किनारेदार बर्तन है आप उसके अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा डो है वो उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा कितना अच्छे तरीके से हमारा बेस बन के तैयार हो गया है और अब हम इसे फोर्क की सहायता से छोटे छोटे होल्स करेंगे इसमें, जिससे हमारा बेस फूले ना। अगर हमने फोक से नहीं किया तो हमारा बेस फूल जाएगा
और परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा, इसलिए फॉक है ना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने इसको फॉक किसने आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो गया है। दोस्तों हमने ओवन को पहले ही 200 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और अब इसे रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर ही रखेंगे और इसे 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप इसे 5 मिनट बाद एक बार निकाल के देखें, अगर नहीं हुआ है तो 2 मिनट के लिए और रखें, इसे ज़्यादा नहीं। तो अब इसको हम बेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा 5 मिनट बाद हमारा बेस कितने परफेक्ट तरीके से बेक होके तैयार हो गया है और इसी तरीके से हमारे और जो बचे हुए बेस हैं वो भी तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे सभी बेस बन के तैयार हो गए हैं। हमने 2 कप मैदा ली थी उसमें हमारे 2 बेस बन के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों हम सभी बेस को इसी तरीके से बनाएंगे। बस याद रहे कि हमारा डो परफेक्ट तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा डो परफेक्ट नहीं होगा तो हमारे बेस अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमारे बेस बिल्कुल ही मार्केट जैसे बने हैं, जैसे हम मार्केट से लाते हैं। तो दोस्तों हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमारे बेस परफेक्ट बनेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नई रेसिपी।